हेलो एवरीवन, हम लोग आज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। और क्वेश्चन पेपर में मैं क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखूँगा, बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखूँगा। आप सब लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप अपना देख लीजिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो मैं क्वेश्चन एक बार यहाँ बोल दूँगा, आप जिनको लिखना होगा लिख लीजिएगा, नहीं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। मोलारिटी और नॉर्मलिटी में रिलेशन क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी, मोलारिटी होती क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ये आपका क्या हो गया मोलारिटी। अब मोलारिटी में ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास ऑफ सोलूट अपान मॉलिकुलर मास ऑफ सोलूट। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स आपको क्या करना है, यहाँ पे ले जाके पुट कर देना है। आप पुट करेंगे तो ये मोलारिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोलूट अपान मॉलिकुलर मास ऑफ सोलूट इनटू क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, ये किस में है, लीटर में, ये आ गया आपका मोलारिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ग्राम इक्विवेलेंट अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में है, लीटर में है। फिर इसके बाद यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट हमको नहीं पता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट हम निकालने के लिए क्या करते हैं, मास ऑफ सोलूट ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, मास ऑफ सोलूट अपान इक्विवेलेंट मास, चाहे आप इक्विवेलेंट मास बोलिए या आप इसको बोल सकते हैं तुल्यांकी भार, ठीक है। फिर इसके बाद इक्विवेलेंट मास हमको नहीं पता है, तो उसको हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलर मास अपान क्या होता है, बैलेंस शीट, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू, या आप बोल सकते हैं कि तुल्यांकी भार क्या होता है, मोलर मास अपान बैलेंस शीट, ठीक है। फिर इसके बाद अब यही वैल्यू आपको ले जाके यहाँ पुट करना है, और ये वैल्यू ले जाके आपको यहाँ पुट करना है। तो वहाँ पुट कर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सोलूट अपान, अब इक्विवेलेंट मास का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर मोलर मास अपान बैलेंस शीट हो जाएगा, ये आपका आ गया ग्राम इक्विवेलेंट। फिर इसके बाद ये आपका बचा हुआ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ इनटू में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका क्या है नॉर्मलिटी, इसी को क्या कर दीजिए बैलेंसी को, आप जब ये अपान में दिया हुआ है इसको आप ऊपर कर दीजिए, ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट इनटू बैलेंसी अपान मोलर मास इनटू वॉल्यूम, ये आ गया, ये नॉर्मलिटी और मोलरिटी का जो इक्वेशन बनता है ये आ गया। अब दोनों से हम लोग कंपेयर करेंगे नॉर्मलिटी और मोलारिटी में रिलेशन क्या आता है, तो रिलेशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग नॉर्मलिटी यहाँ पे लिख लेते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या है, मास ऑफ सोलूट इनटू बैलेंसी अपान मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं इनटू वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये इसमें हमको देखना है इसमें नॉर्मलिटी और मोलारिटी में कुछ रिलेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए ये जो आपका मास ऑफ सोलूट है अपान, ये मोलर मास है, मास ऑफ सोलूट क्या है अपान मोलर मास, इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मास ऑफ सोलूट, ये नंबर ऑफ मोल्स, मास ऑफ सोलूट अपान मॉलिक्यूलर मास ऑफ या मोलर मास आप बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, तो ये क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोलूट। तो ये टोटल आपका क्या आ रहा है, ये जो वैल्यू आपकी आ रही है ये आपकी क्या आ रही है, नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी अपान वॉल्यूम, अपान ये वॉल्यूम हो गया, अब ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपान वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, देखिए नंबर ऑफ मोल्स, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल्स अपान वॉल्यूम, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी लिख सकते हैं, इनटू में क्या है आपका बैलेंस शीट है। फिर उसके बाद आपका ये नॉर्मलिटी इक्वल्स टू यहाँ मोलरिटी इनटू बैलेंस शीट, अब नॉर्मलिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा इनटू बैलेंसी, तो ये आपका रिलेशन आ गया, यही आपसे पूछा हुआ था, इतना आपको करना पड़ेगा तब आपको ढाई नंबर का जो न्यूमेरिकल आया है, न्यूमेरिकल नहीं डेरिवेशन है, ये मिल जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और इसी में है, क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए जी बी आर एट सर्टेन टेम्परेचर इज 2.5 × 10⁻³⁻¹¹. फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए जी बी आर इन ग्राम पर लीटर। देखिए ए जी बी आर ग्राम पर लीटर में पूछा है, आपका ग्राम पर लीटर में आता नहीं है आंसर, वो उसको चेंज करना पड़ेगा, तो उसको चेंज करने के लिए पहले अभी इसको आप नोट कर लीजिए, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी नोट करिए इसको बहुत तेज़ से। देखिए
क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे हैं तो स्पीड थोड़ा तेज़ी रहेगी, ठीक है। आप जल्दी जल्दी नोट करते चलिए क्योंकि टाइम नहीं है ज़्यादा, तो टाइम को ध्यान देते हुए बहुत तेज़ से हम क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। आप एकदम ध्यान से देखते रहिए क्योंकि इसी में से ही जो पेपर पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। चार पेपर आपको करवाऊँगा आज, ये पहला पेपर है, अभी तीन पेपर और करवाऊँगा, तो चारों पेपर आप अच्छे से देख के जाइएगा। आपको मैं बोल रहा हूँ कि 50 में से आपको 45 नंबर तो एकदम कंफर्म क्वेश्चन मिल जाएगा इसी चार पेपर में से ही, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत तेज़ से नोट करिए। इसी का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन कह रहा है AGBR, ठीक है। AGBR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AG+ BR- लिख सकते हैं ना। अब इसके लिए हम लोग जैसे 1 मोल लेते हैं, यहाँ स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा 0 0, फिर इसके बाद यहाँ अगर हम लोग इसको सॉल्बिलिटी हम लोग निकालने चल रहे हैं तो इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट निकालने चल रहे हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एस स्मॉल एस ये हो जाए, कैपिटल एस कैपिटल एस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एस। तो हमको इस वाले से नहीं, रिएक्टेंट से नहीं मतलब है, हमको सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए इसकी जो ये फार्मूला आएगा, इसका सॉल्बिलिटी या प्रोडक्ट या आप इसको बोलते हैं KSP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S² S × S, KSP इक्वल्स टू S × S। अब ये क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू, देखिए क्वेश्चन में आपको KSP की वैल्यू दिया हुआ है, KSP इक्वल्स टू आपको दिया है 2.5 × 10⁻³, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको S निकालना है तो ये क्या करना पड़ेगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, या आप इसको पहले ऐसे आगे S² लिख सकते हो ना, इसको KSP इक्वल्स टू S × S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S²। तो S निकालना तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट KSP हो जाएगा, KSP। अब अंडर रूट यहाँ KSP की वैल्यू आप पुट करिए तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 × 10⁻³, ठीक है, 10⁻³। अब -13 यहाँ है, इसको हम 2.5 को 25 अगर लिख दें तो यहाँ 10⁻¹⁴ हो जाएगा ना। ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, 25 × 10⁻¹⁴। अब 25 का अंडर रूट क्या होता है, इसको लिख सकते हैं हम 5, और यहाँ इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो, 25 × 10⁻¹⁷ का स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो ना स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओ, रूट हटेगा और यहाँ 5 का इसको हम लोग 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाओ, रूट हटेगा, ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर हटा दो तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻¹⁷, ये क्या आ गया है आपका, एस आ गया है, ठीक है। अब ये एस आया है, एस आप आने के बाद अब आपको क्या निकालना है, ये आपका मोल पर लीटर में आया है, ये मोल पर लीटर में आया है, मोल पर लीटर में। और आपको इसकी AG का आपको दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है आपको 108, और BR का आपको दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम लोग निकाल लेंगे तो ये टोटल AG BR का हम लोग निकालेंगे तो AG BR का कितना हो जाएगा, 188 हो जाएगा, AG BR का हम लोग निकालेंगे तो 188 हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें आपको निकालना है सॉल्बिलिटी, ये ग्राम पर लीटर में पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ग्राम पर लीटर में। तो ग्राम पर लीटर में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मोलर सॉल्बिलिटी जो दिया हुआ है उसी में क्या कर दें, ये आपका जो मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूलर वेट है उसी में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आप ऐसे लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर इक्वल्स टू ग्राम पर लीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AGBR, ठीक है।
बस इसको क्या करना है, ये हमको सॉल्वेबिलिटी कितना आया हमारा, 5 × 10⁻⁷ × 188। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 4 = 44, और 5 × 1 = 5, 4 = 9, 940 आ गया। 940 × 10⁻⁷, ये इसके बाद हम लोग अगर इसको 9.4 लिख दें, 9.40 × 10⁵ हो जाएगा। ठीक है, दो डेसिमल इधर आया तो ये माइनस इधर शिफ्ट करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आया ग्राम पर लीटर में। ठीक है, आपको ग्राम पर लीटर में अगर चेंज करना होगा तो ये क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट से आपको मल्टीप्लाई करना है, मॉलिक्यूलर वेट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट करिए, बहुत तेज़ी से करिए, एकदम नोट करिए जल्दी। देखिए इसके बाद बी क्वेश्चन कह रहा, पहले का बी में क्वेश्चन कह रहा कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफ़ई, ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, एफ़ई का ऑक्सीडेशन नंबर, एफ़ई SO4 NH4 का ट्वाइस SO4। ठीक है, ये पूछ रहा है, इसमें एफ़ई का पूछ रहा है, यहाँ जो देखिए ऊपर बार लगा हुआ है, तो जिसका निकालना है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स सपोज करेंगे, तो इसका निकालना है तो इसको एक्स प्लस SO4 का 2 माइनस होता है, तो 2 × −1 1 ही है, तो ये डायरेक्ट ऐसे 1 × 2 लिखिए, −2 प्लस NH4 प्लस होता है अमोनियम प्लस होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × +1। ठीक है, प्लस −2 हो जाएगा SO4 का, तो ये एक्स −2 + 2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इसको 0 लिखेंगे, +2 − 2 = 0। अब यहाँ +2 − 2 ये कैंसिल हो जाएगा, x − 2 = 0, x = +2। ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। देखिए इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू का ए कह रहा है डेराइव द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5, डेराइव द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। ये इसके कहने का मतलब आपको डेराइव करना है, x इज प्रोपोर्शनल टू 1/√P, ये प्रूव करना है, और आपको रिएक्शन दिया हुआ है PCl5 से क्या बन रहा है, PCl3, ये सब गैसियस में है, प्लस Cl2। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है कि x क्या है, किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के। तो जब प्रेशर की बात कर रहा है, इसका मतलब हमको क्या निकालना है, Kp की बात कर रहा है, Kp निकालना है। तो Kp निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एट इनिशियल। जब देखिए यहाँ कुछ दिया नहीं रहेगा तो आप 1 सपोज करके चलिए, ठीक है, कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे हम लोग क्या सपोज करेंगे, ये 1 हो जाएगा, स्टार्टिंग में ये 0 है। ठीक है, 0 इसलिए ये रिएक्शन पे आप मत जाइए कि रिएक्शन ऐसे लिखा है तो आप तुरंत सपोज कर लीजिए कि हाँ रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जैसे आप अपने घर पर खाना बनाते हैं तो रिएक्शन आप कुकर रखते हैं, ठीक है, गैस पर कुकर रखते हैं, तो वहाँ पर क्या आप देखते हैं, आप देखते हैं कि आपने गैस नहीं चालू किया। जब आप गैस चालू नहीं किए तो आप अगर चावल बना रहे हैं तो चावल आपको पका तो मिल नहीं जाएगा, वैसे को ऐसे रहेगा। जब उसको आप चालू करते हैं उसके बाद आपको चावल, पका हुआ चावल मिलता है, या उसको आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट मिलता है। तो ये प्रोडक्ट तभी मिलता है जब आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन आता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर यहाँ लिखिए, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 − x। अगर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पे x। अब ये x कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ जितने नंबर आप मोल्स लिखे रहेंगे उतना यहाँ हो जाएगा। अगर यहाँ 1 लिखा है तो यहाँ 1 हो जाएगा, 2 लिखा है 2x, यहाँ 3 लिखा है 3x हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग लिख रहे हैं। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ
मोल्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, हम लोग इसको पूरे जितने मोल हैं इसको ऐड कर लेंगे। ये वन माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ये कितना है वन प्लस एक्स आया, ठीक है, ये वन प्लस एक्स आया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ आपको आपको निकालना है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इसको स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, या प्रेशर टोटल, यहाँ टोटल लिख के लिख दीजिए, टोटल प्रेशर, टोटल पी, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इनिशियल में मोल जितने होते हैं, इनिशियल में क्या है अपान टोटल मोल, या इनिशियल मोल आप बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट अपान नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो जो भी दिया रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए पी सी एल फाइव के लिए निकाल रहे हैं पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ पी सी एल फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना है वन माइनस एक्स अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वन प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर पी, ऐसे ही क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी सी एल थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, कितना दिया है एक्स दिया है, एक्स अपान टोटल नंबर ऑफ मोल्स वन वन प्लस एक्स इंटू पी, ऐसे ही क्या हो जाएगा पी सी एल टू के लिए, कितना है एक्स दिया है एक्स अपान वन प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इंटू पी हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसी वैल्यू को क्या करना है, के पी का फॉर्म हमको पता है, के पी के फॉर्म में हमको पुट कर देना है, तो के पी इक्वल्स टू क्या होता है पार्शियल प्रेशर आप इसके लिए, इसके लिए के पी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर आप पी सी एल थ्री इंटू पार्शियल प्रेशर आप सी एल टू अपान पार्शियल प्रेशर आप पी सी एल फाइव, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको क्या करना है, पुट करना है इसी पे, वैल्यू पे आपको यहाँ पुट करना है, तो मैं इधर पुट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा के पी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा एक्स अपान वन प्लस एक्स इंटू पी इंटू एक्स अपान वन प्लस एक्स इंटू पी अपान क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स अपान वन प्लस एक्स इंटू पी, पी से ये पी कैंसिल हो गया, वन प्लस एक्स से वन प्लस एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए ये इधर क्या, ये कहाँ जाएगा, ये इस वाले एक्स के पास जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, के पी इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया और पी बचा है एक्स स्क्वायर पी अपान क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ ये आपका क्या आ गया, अब ये देखिए यहाँ पर एक्स क्या है आपका, अगर एक्स की वैल्यू हम लोग लेस देन वन मान लें, तो ये लगभग क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग वन के बराबर हो जाएगा, ठीक है, वन माइनस एक्स की वैल्यू लगभग एक के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए के पी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पी अपान एक्स स्क्वायर पी अपान ये वन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर पी इक्वल्स टू के पी हो गया, अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के पी अपान पी आया, के पी अपान पी आया। अब यहाँ देखिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट के पी अपान पी। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब आप क्या करते हैं प्रोपोर्शनलिटी कोई कांस्टेंट लगा रहता है, जब कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा रहता है उसको हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, ठीक है। अगर हम लोग को एक स्टेप पीछे चलना है, कांस्टेंट को हटाना है, तो क्या करेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले आएंगे, तो ये कांस्टेंट है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या करें हम लोग, इसको क्या कर लेंगे, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वन अपान पी, इसको चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट पी, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, ये प्रूफ करना था हमको। तो ये आसान है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके पेपर में आया हुआ है,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक न्यूमेरिकल है, इसी से रिलेटेड है, आपका केसी केपी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, इसको जल्दी से नोट करिए, इसके बाद उसको बताता हूँ। बहुत तेज़ी से नोट करिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ केपी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द रिएक्शन 2NO प्लस Cl2। कोई रिएक्शन दिया हुआ है 2NO प्लस Cl2, ये क्या बनाएगा आपका 2NOCl, और इसमें ये आपको केपी की वैल्यू दिया हुआ है, केपी इक्वल्स टू दिया है 1.9 × 10³ A·1, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये रिएक्शन है, रिएक्शन में क्या दिया आपको, इतना दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, और आपको R की वैल्यू दिया है, R की वैल्यू आपको दिया है R इक्वल्स टू 0.08206, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि R की वैल्यू आपको क्या पुट करना है, R की वैल्यू आपको इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम के केस में आपको R की वैल्यू 0.0821 या आपको ये जो वैल्यू दिया हुआ 0.08206 ये पुट करना है, अदरवाइज कोई और नहीं आप पुट करेंगे। ये क्या, इसकी यूनिट क्या है, लीटर एटीएम, ठीक है, तो आपको यही पुट करना है, कोई और वैल्यू मत पुट करिएगा, कि आप अपने मन से पुट कर दीजिए कि 821 आप जानते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में दिया है ध्यान दीजिएगा वही आपको पुट करना है, ध्यान दीजिएगा, नहीं गड़बड़ करके आएंगे फिर आप बाद में ये मत बोलिएगा कि सर गलत हो गया, नंबर नहीं मिल रहा, मिला हमको, तो वो चीज़ नहीं सुनना चाहता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ आपको टी दिया है, टेम्परेचर टी आपको दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हम लोग चेंज करेंगे केल्विन में, तो ये क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू हो जाएगा 20 + 273, तो ये क्या हो जाएगा 293 हो जाएगा, ठीक है, ये केल्विन हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, फार्मूले पे पुट करना है, के पी इक्वल्स टू क्या होता है, के पी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तो यहाँ आप नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा एन जी वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा एन जी इस वाले केस के लिए क्या निकालेंगे, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, ये सब गैसियस फॉर्म में हैं, यहाँ पे जी लिखा हुआ है, जब सॉलिड लिखा रहेगा तो उसके लिए ऐड नहीं होता है, ठीक है, सॉलिड के लिए नहीं माना जाता है, तो यहाँ पे आपको जी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 2 − 2 + 1, तो यह −3 हो गया, तो ये 2 − 3 = −1, ठीक है, यहाँ डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, −1, तो यहाँ आप पुट कर दीजिए के पी इक्वल्स टू के सी आर टी की पावर −1। अब यहाँ के सी हमको निकालना, देखिए के पी की वैल्यू दिया हुआ है, के सी आपसे पूछ रहा है, के सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के पी, ये आर टी की पावर −1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, के सी अपान आर टी लिख सकते हैं ना, −1 है तो के सी अपान आर टी, तो इसको क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये के पी ये क्या हो जाएगा इंटू आर टी, के सी इक्वल्स टू क्या हो गया, के पी की वैल्यू कितना है 1.9 × 10³, ठीक है, इंटू आर की वैल्यू 0.08206 इंटू टी की वैल्यू 293, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे के सी इक्वल्स टू, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 45682.28 आएगा आपका आंसर, 0.28 या यहाँ 45682.802 ये आएगा। अब यहाँ देखिए आपको यूनिट अगर आप नहीं लिख के आते हैं आधा नंबर कटेगा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना है 45682.802, यहाँ आप सीधे लिखिए के सी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी, यहाँ मोल पर लीटर लिख दीजिए पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी आप लिखेंगे, डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आई है −1, यहाँ आप ऐसे लिख दीजिए, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं के सी इक्वल्स टू 45682.802 लीटर पर मोल,
ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए जल्दी से, बहुत तेज़ी से नोट करिए। इसके बाद आपको क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, बी वाले क्वेश्चन में कह रहा है डेराइव हेंडरसन इक्वेशन, कह रहा है डेराइव हेंडरसन इक्वेशन टू कैलकुलेट पीएच वैल्यू ऑफ बफर सॉल्यूशन। फिर उसी में न्यूमेरिकल दे दिया है, न्यूमेरिकल देने से आप समझ लीजिए क्वेश्चन में एक थियोरी उसी में एक न्यूमेरिकल, एक थियोरी एक न्यूमेरिकल, आप न्यूमेरिकल से भाग नहीं सकते। मैं पहले ही बता रहा था आपको, जब वाटर वगैरह पढ़ा रहा था तो मैं पहले ही आपको बोला था कि आपको न्यूमेरिकल से डरना सख्त मना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करने चल रहे हैं, हेंडरसन इक्वेशन डेराइव करने चल रहे हैं, हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है, हेंडरसन इक्वेशन हम लोग डेराइव करने चल रहे हैं। तो हेंडरसन इक्वेशन किसके लिए डेराइव किया गया था, हेंडरसन इक्वेशन डेराइव करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी मुझे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं द रिलेशन बिटवीन, द रिलेशन बिटवीन पीएच पीकेए एंड कंसंट्रेशन। देखिए कंसंट्रेशन को मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, कॉन्क लिख के पावर एन लिख दिया हूँ, कंसंट्रेशन है, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन पीएच पीकेए एंड कंसंट्रेशन आप बीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, आप वीक एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, या इसी को क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, ठीक है। इज देखिए कॉन्जुगेट बेस इज, ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस बाय हेंडरसन इक्वेशन, ये एक्सप्रेस इज एक्सप्रेस बाय एक्सप्रेस्ड बाई हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है। ये चीज़ है, आपको हेंडरसन इक्वेशन के बारे में पहले थोड़ा सा इतना लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखना है और उसको क्या करना है, डेराइव करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कोई रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं, या COOH है, ठीक है, CH3COOH, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3COOH को क्या लिख सकते हैं, CH3CO- लिख सकते हैं और H+ लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3CO- plus H+, ठीक है। और या फिर अगर इस तरह हम लोग नहीं लिख रहे हैं तो HA करके लिख दें, एक एसिड एक बेस, यहाँ आप लिख सकते हैं एच ए इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, एच प्लस प्लस ए माइनस, ठीक है। या आप ऐसे इसको लिख सकते हैं सी एस थ्री सी ओ एन ए, ऐसे लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी एस थ्री सी ओ माइनस प्लस एन ए प्लस, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों में ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अब ये क्या, कहाँ से इसको कॉमन का मतलब, ये क्या बन रहा है, ये सॉल्ट बन रहा है, ये सॉल्ट का काम कर रहा है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ये क्या काम कर रहा है, सॉल्ट का काम कर रहा है। सेम इसी तरह इसमें हम लोग क्या करें, इस वाले रिएक्शन जैसे हमने क्या किया, एक एच ए, ये आपका एच ए क्या है, एसिड है, ठीक है, ये एसिड है आपका। दूसरा क्या है, हम लोग एक एसिड में क्या मिला दें, कोई बेस मिला दें, एच ए प्लस बी ओ एच, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको अलग अलग करके तोड़ दें, एच ए और प्लस बी ओ एच, इसको आप लिखेंगे तो एक आप क्या बनेगा, एक आपका एसिड बन जाएगा और एक आपका क्या बन जाएगा, यहाँ एसिड नहीं, यहाँ एक एच और ओ एच मिल के एच टू ओ बनेगा और एक क्या बनेगा, ए माइनस बी प्लस प्लस एच टू ओ बनेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस को ए बी ऐसे लिख सकते हैं,
या बी ए करके लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे बी प्लस प्लस ए माइनस। अब यहाँ देखिए, ये जो आपका ए है, ए ठीक है, ये क्या है, दोनों में क्या है, कॉमन है, दोनों रिएक्शन में ये कॉमन है। और जब कॉमन है तो ये क्या है, साल्ट का काम कर रहा है, या आप बोल सकते हैं कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, साल्ट, या इसी को लिख सकते हैं कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो ये कॉमन, ये कॉमन है, तो इस ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ये हम लोग किसकी वजह से, ये इसको साल्ट बोल रहे हैं, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आप लिख सकते हैं ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमको पता चल गया। अब इस वाली रिएक्शन में देखिए, इस वाली रिएक्शन में हम लोग क्या करें, पहली वाली रिएक्शन जो दी हुई है इसका हम लोग क्या करें, कंसंट्रेशन निकाल लें, एस प्लस की कंसंट्रेशन, क्योंकि हमको पीएच निकालना है। तो पीएच निकालने के लिए इस वाली रिएक्शन में क्या करें, हम लोग क्या लिख लें, इसको एसिड है तो एसिड के लिए ये के हम लोग लिख रहे हैं, तो के जो ये कांस्टेंट है किसके केस में है, एसिड के केस में है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, के ए, के ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच प्लस ए माइनस अपान एच ए, ठीक है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, हमको एच प्लस निकालना। तो यहाँ एक साइड हम लोग लिख रहे हैं एच प्लस की कंसंट्रेशन कितना हो जाएगी, ये हो जाएगा के ए इंटू एच ए, ठीक है, के ए इंटू एच ए अपान, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस, ठीक है। अब दोनों पक्षों में क्या कर दें, लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विद निगेटिव साइन, क्योंकि हमको माइनस हाफ लॉग एच प्लस लेना है, माइनस हाफ लॉग एच प्लस ही आपका पीएच होता है ना, तो हमको माइनस टर्म में लाना है, तो माइनस में लाने के लिए आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ आप लिखिए टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ बेस टेन है, ऑन बोथ साइड विद निगेटिव साइन, निगेटिव साइन एस आई जी एन, ठीक है। तो निगेटिव साइन के साथ हम लोग लिखेंगे, तो हम यहाँ इस साइड में इसको लिख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा माइनस हाफ लॉग एच प्लस, ये हो जाएगा माइनस हाफ लॉग के माइनस लॉग के ए माइनस लॉग एच ए अपान ए माइनस की कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पीएच, और ये माइनस लॉग आप के ए, के ए क्या, माइनस ऑफ लॉग के ए क्या होता है, पी के ए, माइनस ऑफ लॉग के ए किसके बराबर होता है, पी के ए के बराबर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पी के ए माइनस लॉग एच ए क्या है आपका, देखिए एच ए आपका क्या है, यहाँ देखिए एच ए क्या है, एसिड है, और ए को हम लोग क्या बोले थे, सॉल्ट, तो लॉग एसिड, एसिड की कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट की कंसंट्रेशन। अब यहाँ देखिए माइनस है, अगर इसको हम लोग रिवर्स कर दें, इसको उलट दें, तो यहाँ पे प्लस चिन्ह आ जाएगा ना, तो पी एच इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपान एसिड, ठीक है, लॉग सॉल्ट अपान लॉग एसिड, यही हमको प्रूफ करना था। तो आपके एग्जाम में जब आएगा तो एक ही आपको प्रूफ करना है, तो मैं दूसरा नहीं बता रहा हूँ, दूसरा थोड़ा बड़ा है, तो वो बेस के लिए है, आपसे बेस के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम यही प्रोसेस है, इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो आप एसिड ले रहे हैं वहाँ पे आपको बेस ले लेना है, बाकी सब प्रोसेस सेम है। फिर आप जानते हैं पी पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू 14 होता है, तो वहाँ पे वहाँ से आपका पी ओ एच निकल जाएगा, ठीक है, सेम यही प्रोसेस है, उसमें बस पी एच प्लस पी ओ एच ऐड हो जाएगा। तो
वो चीज़ ध्यान देना आपको। बस एक चीज़ और इसमें चेंज होगा, जहाँ यहाँ आपने के ए यूज़ किया है एसिड के लिए, वहाँ पे बेस के लिए यूज़ करना है तो वो के भी हो जाएगा। तो आप यही वाला करके आइएगा, ठीक है। एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप यही करके आइएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको जल्दी से नोट करिए, अभी एक न्यूमेरिकल है, नोट करिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग 20 एमएल ऑफ 0.1 एम एनएओएच एंड 40 एमएल ऑफ 0.1 एम एससीएल। आपका एक बेस है और एक आपका एसिड है, तो बेस और एसिड, स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड, इसके केस में क्या होता था आपका, आपको एक फार्मूला बताया गया था, उसमें फार्मूले में क्या था, पहले हम लोग यहाँ वैल्यू लिख लेते हैं। यम आपको दिया है 0.1 एम, ठीक है, एम वन की वैल्यू। फिर उसके बाद वी वन क्या दिया है, वी वन आपको दिया है 20 एम एल। फिर एन एफ वन, पहले मैं फार्मूला आपको लिख दे रहा हूँ, फार्मूला लिख दूँगा फिर उसके बाद आपको क्लियर समझ में आएगा। फार्मूला क्या है, यहाँ एच प्लस या ओ एच माइनस इक्वल्स टू मॉड ऑफ एम वन वी वन एन एफ वन माइनस एम टू वी टू एन एफ टू, ठीक है, अपान वी वन प्लस वी टू, ये है आपका फार्मूला। अब यहाँ एच प्लस आपको निकालना है या ओ एच माइनस निकालना है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, ये इसकी वैल्यू एम वन एम टू की जो वैल्यू दिया रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाए, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, या आप डायरेक्ट ऐसे कहिए, अगर एसिड की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो एच प्लस निकालना है, अगर बेस की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो क्या निकालना है, बेस निकालना है या ओ एच माइनस निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले वैल्यू लिख लेते हैं, एम वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.1 एम दिया हुआ है, वी वन इक्वल्स टू 20 एम एल दिया है, और एन एफ वन इक्वल्स टू, अब एन एफ वन कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे पहले आपको एस सी एल दिया है, एक आपको दिया है पहला एन ए ओ एच, ये हम लोग एन ए ओ एच के लिए लिख रहे हैं, और इस साइड में हम लोग या यहीं पे इसी साइड में ही एस सी एल के लिए लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने आपके नंबर, आप जैसे एस सी एल को क्या लिख सकते हैं, एच प्लस सी एल माइनस है, तो यहाँ पे कितने चार्ज हैं, एक चार्ज है ना, एच पे एक प्लस चार्ज है, तो आपको क्या हो जाएगा एन एफ वन की वैल्यू प्लस वन, ठीक है। ऐसे यहाँ एन ए ओ एच के केस में एन ए प्लस प्लस ओ एच माइनस, तो ये कितना चार्ज है, प्लस वन है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस वन, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए एम टू इक्वल्स टू 0.1 दिया है आपको, वी टू कितना दिया है, वी टू आपको दिया 40 एम एल, और एन एफ टू कितना दिया है, आपको दिया है प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस वन आ रहा है एन एफ टू की। बस यहाँ आपको पुट करना है, यहाँ जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम वन कितना है 0.1 दिया है, इंटू वी वन कितना है 20 इंटू वन, माइनस एम टू कितना दिया है 0.1 दिया है, इंटू ये कितना दिया है 40 दिया है, इंटू वन अपान क्या हो जाएगा, वी वन कितना 20 प्लस 40 ये 40 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा अपान 60, और ये माइनस 2 आ जाएगा, और ये मॉड में है तो ये प्लस में हो जाएगा, मॉड हटेगा तो ये प्लस 2/60, और 2/60 को क्या लिख सकते हैं 1/30, और ये क्या आया है एच प्लस आया है, एच प्लस इसलिए आया है, देखिए यहाँ पे यहाँ क्या, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू 20 वाली एन ए ओ एच की है, तो ये बेस की वैल्यू कितनी आ रही, कम आ रही है 2 आ रही है, और एसिड की वैल्यू 4 आ रही है, तो इसका मतलब 2 ज़्यादा होता है कि 4 ज़्यादा होता है, 4 ज़्यादा होता है ना, तो ये 4 ज़्यादा है इसलिए आपका एसिड का है, तो आपको एसिड एच प्लस लेना है, तो ये एच प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आई है,
वन बाई थर्टी। अब इसका हमको लॉग निकालना है, तो आप लॉग ले लीजिए माइनस टर्म में, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग वन बाई थर्टी। अगर हम थर्टी ऊपर कर दें तो ये प्लस हो जाएगा ना, और इसको पी एच लिख सकते हैं, तो ये लॉग थर्टी हो जाएगा। अब लॉग थर्टी को आप चाहे लॉग थर्टी की वैल्यू, अगर थ्री की वैल्यू याद हो तो आप वन इंटू टेन करके कर दीजिए, थ्री इंटू टेन करके, तो टेन की वैल्यू वन हो जाएगी, प्लस लॉग थ्री की वैल्यू कर दीजिए, चाहे उस तरह कर दीजिए, या डायरेक्ट अगर आपको लॉग थर्टी की वैल्यू आती है तो आप उस तरह लिख दीजिए। मैं आपको सिखाते हुए ले चल रहा हूँ। लॉग टेन लिख सकते हैं ऐसे, लॉग टेन प्लस टेन इंटू थ्री करिए, लॉग टेन इंटू थ्री, तो ये लॉग एम इंटू एन कितना होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग टेन प्लस लॉग थ्री। लॉग टेन की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, वन प्लस लॉग थ्री की वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉइंट लॉग थ्री का ये पॉइंट फोर सेवन सेवन वन होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख ले रहे हैं पी एच इक्वल्स टू वन पॉइंट फोर सेवन सेवन वन, ये आ गया आपका पी एच, यही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग एग्ज़ाम में गलती मत करिएगा, फार्मूला आप एकदम कंसंट्रेट होके देखिए फार्मूला क्या लिखा गया है, नहीं आप लोग बहुत गलती करते हैं, मैं देखता हूँ बहुत गलती आपने किया है, तो ये चीज़ गलत नहीं करना आपको, एकदम सही से निकालिएगा। कंसंट्रेशन पहला नंबर आप निकालेंगे, फिर उसके बाद लॉग लेंगे। आप बहुत लोगों का देखा था कॉपी में, उन्होंने पहले लॉग ले लिया है, कंसंट्रेशन बाद में निकाल रहे हैं, तो वो गलत तरीका है। जैसे मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ ऐसे आपको करना है एग्ज़ाम में, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आते हैं, नोट करिए जल्दी से, तेज़ी से नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपसे बोल रहा है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल गिवन बिलो एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तो आपको डायरेक्ट जो आप उसका नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, तो आप जो फार्मूला आपको पता है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस माइनस ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन करके करते हैं ना, वो करना है। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया है, तो इसका मतलब आपको वो फार्मूला नहीं लगाना है, जो फार्मूला यहाँ लिखूँगा वो फार्मूला आपको लिखना है, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं T इक्वल्स टू आपको दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आपको चेंज करना है, T इक्वल्स टू हो जाएगा 20 प्लस 273, ये हो जाएगा आपका 293 केल्विन, ठीक है। फिर इसके बाद ये रिएक्शन लिया लिखा हुआ है, सेल रिएक्शन है Zn से Zn2 प्लस, और इसमें आपको दिया है कंसंट्रेशन 0.1 m, ठीक है। फिर इसके बाद सॉल्ट ब्रिज है, कॉपर 2 प्लस 1.7 m, फिर यहाँ कॉपर है, ठीक है। ये रिएक्शन दिया हुआ है, और फिर इसी में आपको दिया है Zn की वैल्यू दिया हो, ये आपको दिया है वैल्यू E नॉट सेल की वैल्यू दिया है, E नॉट Zn 2 प्लस से Zn की वैल्यू है माइनस 0.76 वोल्ट। दूसरा दिया है E नॉट कॉपर 2 प्लस से, कॉपर की वैल्यू दिया है आपको प्लस 0.34 वोल्ट। ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है, आपको विश्वास नहीं होगा, जब से ये जेई मेंस का एग्ज़ाम हो रहा है, जेई मेंस क्या AIEEE होता था वहाँ से, तब से कम 25 बार आप पेपर उठा के देख लीजिए, कम से कम ये 25 बार क्वेश्चन पूछा गया है। जितने कंपटीशन पूछे जाते हैं कम से कम 25 बोल रहा हूँ, आप ढूंढेंगे तो और भी मिल जाएगा। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है, और ये बार बार आता है, इसको कोई कहता भी नहीं है कि अब रहम दीजिए, अब इसको इस पर रहम करिए क्वेश्चन पे, लेकिन क्या है कि इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए क्या करते हैं लोग इस क्वेश्चन को देते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो
इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, पहले क्वेश्चन में देखिए इसी तरह का क्वेश्चन आपको दिया रहता है, उसमें क्या बोलता है आपसे बोल देता है, और इसमें क्या कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में आपको, ईएमएफ सेल निकालना है, ईएमएफ निकालना है, ठीक है, ईएमएफ या आप ई सेल बोल सकते हैं, ई सेल निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है, ई सेल आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना, पहले एक दो क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया कि इस जो ये रिएक्शन आपको दी हुई है, इस रिएक्शन का आपको हाफ सेल रिएक्शन लिखिए और इसका नेट सेल रिएक्शन लिखिए, तो उस पर भी आपको नंबर मिलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हाफ सेल क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ हाफ सेल पहले मैं लिख दे रहा हूँ, हाफ सेल ये जेड एन प्लस, जेड एन से क्या हो जाएगा, जेड एन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, कॉपर के लिए हाफ सेल क्या हो जाएगा, कॉपर टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये क्या कॉपर हो जाएगा। अब इसी रिएक्शन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये नेट सेल रिएक्शन हो जाएगा, इसको आप ऐड करेंगे तो जेड एन प्लस कॉपर टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन एम्प्लाइज कॉपर प्लस जेड एन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये टू इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जेड एन प्लस सी यू टू प्लस, ये क्या बन गया, कॉपर प्लस जेड एन टू प्लस, ठीक है, ये रिएक्शन आपकी नेट सेल रिएक्शन हो गई है, और ये ऊपर वाली रिएक्शन हाफ सेल है, दोनों हाफ सेल हैं, ठीक है, हाफ सेल रिएक्शन है, ठीक है, दोनों रिएक्शन ये पूछता है आपसे, आधे आधे नंबर में आधा नंबर ये पूछ लेगा, आधा नंबर ये, एक नंबर का ये पूछ लेता है, तो बस इतना आपको लिखना है, ये रिएक्शन दी हुई है, यहाँ से आप क्या करेंगे, जेड एन से जेड एन टू प्लस हुआ, अब इसमें जेड एन टू प्लस में आने के लिए इसका मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ देना पड़ेगा, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के ये क्या करेगा, बैलेंस कर देगा इसको, ठीक है, ऐसे ही कॉपर में है, कॉपर में कर लेंगे। अब यहाँ देखिए आपको कैसे पहचानेंगे कि आपको नेक्स्ट इक्वेशन लगाना है, पहचानने का तरीका ये है, यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दिया रहेगा, कंसंट्रेशन दिया रहेगा, तो वहाँ से आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको नेक्स्ट इक्वेशन निकालना है। और दूसरा पहचानने का तरीका क्या है, ईएमएफ सेल पूछेगा, ईएमएफ सेल मतलब ई सेल, और ई सेल आपको तभी पता चल पाएगा जब आपको नेक्स्ट इक्वेशन लगाना आता होगा, या नेक्स्ट इक्वेशन पता होगा तब आप निकाल पाएंगे। तो पहले ये रिएक्शन हाफ सेल आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ईएमएफ सेल कैसे निकालेंगे, नोट करिए जल्दी से, ये चीज़ नोट करिए, फिर इसके बाद बताता हूँ, नोट हुआ, बोलिए, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पेपर सॉल्व करवा रहे हैं आपको, आप पढ़े होंगे और इसको प्रैक्टिस करते रहिए, अभी तीन पेपर और सॉल्व कराना है, ठीक है, तो इसको नोट करिए, मिटा रहे हैं, देखिए इसमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ सबसे पहले आप ई नॉट सेल निकालेंगे, ई नॉट सेल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, और एक चीज़ और आपको एक ट्रिक बताता हूँ, याद रहना चाहिए, अगर ट्रिक आपको याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन इसका सेल का आपका गलत नहीं होगा, रेड कैट एंड ऑक्स, रेड कैट एंड ऑक्स, ठीक है, रेड कैट का मतलब रिडक्शन एट कैथोड, रेड कैट का मतलब रिडक्शन एट कैथोड, और एनॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन एट एनोड, ठीक है, ये हो जाएगा रिडक्शन एट कैथोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड, ठीक है, यहाँ पे ये आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, या आप ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट राइट माइनस ई नॉट
लेफ्ट, जो ये आप वैल्यू पुट करेंगे ये रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म में, ये रिडक्शन फॉर्म में आपको पुट करना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे रिएक्शन में इस तरह दिया हुआ है तो आप समझिए कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिडक्शन जो यहाँ वैल्यू दी हुई है रिडक्शन फॉर्म में दिया हुआ डायरेक्ट आपको पुट कर देना है, कुछ चेंज नहीं करना है। तो राइट और लेफ्ट का मतलब ये है, ये आपका मुझे आप सपोज कर लीजिए कि मैं क्या हूँ, मैं सॉल्ट ब्रिज हूँ, मेरा जो शरीर है ये पोर्शन क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, और जो ये आपका मेरा राइट हैंड है, ये आपका राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट साइड हो गया। तो इसको जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, इसको मैं ऐसे मुड़ के ऐसे बता रहा हूँ, इधर ZN प्लस ZN से ZN 2 प्लस, इधर कॉपर 2 प्लस से कॉपर है, ठीक है। तो ये पहचानने का तरीका ये ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो ई नॉट राइट पे क्या है आपका, ये क्या है कॉपर 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस की वैल्यू क्या दिया हुआ है 0.34 वोल्ट माइनस, और ZN 2 प्लस लेफ्ट में क्या है ZN 2 प्लस की है, जिंक की है। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना लिखा है, ये आपको -0.76, तो ये -0.76 वोल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट, इसको ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.10 वोल्ट, ठीक है। ये क्या आया है आपका ई नॉट सेल, ई नॉट सेल आया है आपका। अब हमको क्या निकालना है नेक्स्ट इक्वेशन से, ये ई नॉट सेल आ गया है। अब इसी क्वेश्चन में देखिए आपका जो, इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके आगे मैं बताता हूँ, ये नोट कर लीजिए, ये रिएक्शन जो है इसको नोट करिए, फिर उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। ई सेल, अभी आपको ई नॉट सेल मिला है, अभी ई सेल निकालना है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, ई सेल भी बताते हैं। नोट हो गया है, देखिए ई नॉट सेल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई सेल निकालने के लिए ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस क्या हो जाएगा यहाँ 2.303 आरटी अपान NF log oxidation upon reduction, oxidation upon concentration of reduction, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ ई नॉट सेल की वैल्यू आपको पता है, ई नॉट सेल हम लोगों ने अभी निकाला था 1.10 आ रहा था, 1.10 माइनस 2.303। अब यहाँ देखिए आर क्या है, मैंने आपको बोला था कि केवल केमिस्ट्री में आपको उसमें आर की वैल्यू जो है इक्विलिब्रियम में 0.0821 पुट करना है, बाकी अदर जगह पे आपको 8.314 पुट करना है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 8.314 इंटू टी आपका कितना है 293 अपान एन की वैल्यू कितना, आपने कितना इलेक्ट्रॉन यूज किया है। देखिए यहाँ पे आप ZN से ZN 2 प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे थे ना, जो अभी रिएक्शन लिखा था हमने, रिएक्शन यहाँ लिखा था ना ZN से ZN 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा था ना, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन आप यूज कर रहे हैं, ये N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन आप यूज कर रहे हैं, तो ये 2 हो जाएगा। और F क्या है, एक 1 फैराडे, 1 फैराडे कितना होता है 96,500, 1F इक्वल्स टू 96,500 होता है, ठीक है। 96,500 आप पुट करिए, और फिर यहाँ लॉग इसको मिटा दे रहा हूँ, बस ये आपको बताने के लिए बता रहा था कि कितना इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 1F = 96,500, ठीक है, ये वैल्यू है। और यहाँ लॉग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन आपका जिंक 2 प्लस है,
अपान रिडक्शन क्या है, कॉपर 2+। तो जिंक 2+ की कंसंट्रेशन कितना दिया है और कॉपर 2+ की जितना दिया है वही पुट कर देना है। 1.10 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका इसका इतने का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 56.11 2606 अपान ये 2 × 96,500। और ये लॉग जिंक 2+ की कंसंट्रेशन कितना है, लॉग 0.1 अपान 1.7 है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1.10 माइनस इसका सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद ये आपका आ जाएगा 0.029। इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 0.02906794 ये आ जाएगा। और लॉग, अब देखिए यहाँ पे लॉग 1 और लॉग 17, तो यहाँ अगर ये यहाँ पे हम लोग ये क्या कर दें, ये डेसिमल हटाएं यहाँ हट जाएगा तो लॉग 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी प्लस, तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं लॉग 1 प्लस लॉग, ये माइनस रहेगा माइनस क्योंकि यहाँ अपान में है, तो लॉग माइनस 17, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये लॉग 17 की वैल्यू आ जाएगी आपको 1.3023, ये 1.10 माइनस 0.02906794 इंटू ये लॉग 17 की वैल्यू आ जाएगी 1.2304। फिर इसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1.10 माइनस, और ये माइनस माइनस ये प्लस आ जाएगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, यहाँ देखिए ये माइनस में है ना, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, या ऐसे ही रहने दीजिए इसको, यहाँ माइनस आ जाएगी वैल्यू, और जब ये माइनस माइनस, या इसको डायरेक्ट आप ऐसे यहाँ प्लस कर दीजिए, ये वैल्यू इतना है यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद, प्लस करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी 0.036। इसको ऐड कर देंगे तो 1.136 वोल्ट, ठीक है, ये आ जाएगा ई सेल। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दे दिया है, तो आपको इसमें पूरा फार्मूला ये वाला लिखना पड़ेगा, 2.3 ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आरटी अपान एनएफ इंटू लॉग ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन, ये फार्मूला लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, रेड कैट एनॉक्स, रेड कैट लाल बिल्ली होती नहीं है, बट आपके समझने के लिए, याद करने के लिए कि आप गलत ना करके आए क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेड कैट एनॉक्स, इसको नोट करिए जल्दी से। इसके बाद अभी आपका है इसी का सी है, फिर उसके बाद वाटर चैप्टर का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उसका है बॉम कैलोरी मीटर का, इसको नोट करिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड यूजेज ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। इसमें आपको 5 नंबर का पूछ रहा है, 5 नंबर में पूछा है PMMA के बारे में आपको बताना है, पैन के बारे में बताना है, UF यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड और बैकेलाइट के बारे में बताना है कि उसका यूज कहाँ है, उसका स्ट्रक्चर बताना है और यूज। तो स्ट्रक्चर PMMA का क्या हो जाएगा, इसका पहले नाम जान लीजिए, पॉलीमेथिल मेथ एक्राइलेट, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2C CH3, फिर यहाँ COO CH3, और यहाँ पे ये यहाँ एन लग जाएगा, ठीक है। इसका यूज क्या है, इसका यूज जो होता है PMMA यूज एज ए
सब्स्टिट्यूट फॉर ग्लास इन प्रोडक्ट सच एज शटर प्रूफ विंडो। शटर प्रूफ मतलब जो प्लास्टिक की जो खिड़की आती है उसके लिए, और ये स्काईलाइट एंड एयरक्राफ्ट में यूज होता है। दूसरा आपका क्या है, पैन, ठीक है। पैन को क्या बोलते हैं, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, नाइट्राइल है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पैन को पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पैन इज नोन एज पॉलीविनाइल, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीविनाइल साइनाइड भी बोलते हैं। इसका यूज क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का मतलब ये है, जब हम लोग वाटर ट्रीटमेंट पढ़ रहे थे ना, तो वाटर ट्रीटमेंट में जो हम लोग उसमें जो वाटर को फिल्टर करने का काम करता है वो उस यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन काम करता है, ठीक है। फिर इसका यूज हम लोग फाइबर में करते हैं टेक्सटाइल के लिए। इसके बाद यूएफ है आपका, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर है CH2NSCO NH CH2, और यहाँ पे ये आप डायरेक्ट यहाँ पे N लगा देंगे क्योंकि ये N टाइम्स में है, ठीक है। इसका यूज क्या है, टेक्सटाइल में है, पेपर बनाने में है, और फाउंड्री एंड मोल्ड जो डिजाइन वगैरह बनती है उसके लिए है, ठीक है। फिर लास्ट है आपका बैकेलाइट। बैकेलाइट का यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है CH2, और ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे OH है, और यहाँ पे इसके पैरा पोजीशन पे CH3 है, ठीक है। फिर यहाँ CH2 से ऐड है, फिर बेंजीन है, उसके ऊपर क्या है OH, और यहाँ पैरा पोजीशन पे CH3, ठीक है। फिर ऐसे करके ये एंड टाइम्स में है बैकेलाइट का। इसका यूज कहाँ होता है, आपको बटन, जो हम लोग बटन कपड़े में बटन रहता है उसको बनाने के लिए, और जो हम लोग घड़ी यूज करते हैं घरों में, घड़ी लगी रहती है ना दीवार घड़ी, उसको बनाने के लिए किया जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और ये इम्पॉर्टेंट है, आपके अभी पेपर में देखे होंगे। मैं आपको आपके ग्रुप में भेजा था क्वेश्चन, ये सेम यही क्वेश्चन आया था, पॉलीमर के पेपर में आया था, और ये इम्पॉर्टेंट है आपके केमिस्ट्री के लिए भी। तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसका यूज पूछेगा आपसे, पूछेगा स्ट्रक्चर बताइए, स्ट्रक्चर के बाद आपसे पूछेगा इसका यूज बताइए। इसके बाद आपको वाटर का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, चौथा क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है आपका फ्यूल का है, कैलोरीमीटर का। तो उसको बता के फिर ये पेपर यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए। नोट हुआ, अरे साथ में नोट करते रहा करिए, जब मैं नोट करता हूँ तो नोट करते रहिए। नोट हो गया ना बेटा, है इसके बाद आपका फोर्थ का ए कह रहा है, ए स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन 0.15 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर, 20 ml ऑफ दिस रिक्वायर्ड, 25 ml ऑफ EDTA सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सैंपल वाटर रिक्वायर्ड, 18 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ EDTA, द सैंपल सेम सैंपल आफ्टर बॉयलिंग रिक्वायर्ड, 12 ml ऑफ EDTA सोल्यूशन, कैलकुलेट टेम्परेरी हार्डनेस, टोटल हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस इन PPM। इसमें आपको क्या क्या निकालना है, देखिए क्या क्या दिया है आपको, दिया है वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वेट ऑफ CaCO3 दिया है 0.15 ग्राम। फिर उसके बाद आपको दिया है टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, कितना है ये आपको दिया है 1 लीटर। 1 लीटर यहाँ देखिए
मैं पहले पहले भी क्लास में वाटर में बोल दिया है, वहाँ पर लीटर बोला है, तो आप क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ मत करिएगा। पर लीटर का मतलब 1 लीटर की बात कर रहा है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर ये आपको दिया हुआ है 20 ml। फिर वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड ये कितना दिया है आपको, 25 ml, और ये आपका V1 है। फिर उसके बाद आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, ये आपको दिया है 100 ml। फिर दिया है आपको वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, ये आपको दिया है 18 ml। ये आपका क्या हो गया, V2। फिर लास्ट में आपको दिया बॉइल्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ बॉइल्ड वाटर ये कितना दिया, सेम सॉल्यूशन बोला है, सेम सॉल्यूशन का मतलब 100 ml की बात कर रहा है, 100 ml वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज इक्वल टू कितना दिया है, 12 ml। ठीक है, तो ये आपका इतना क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, आपको फार्मूला लिखना है, फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। फार्मूला आपका क्या है, टोटल हार्डनेस का फार्मूला क्या होता है, टोटल हार्डनेस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ, पहले लिखेंगे आप वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वेट ऑफ CaCO3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, ये क्या है, V2 है, अपान टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, ये क्या है, V1 इंटू यहाँ ऊपर में 10^6, ये ppm में चेंज करने के लिए 10^6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको पहले आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम वैल्यू पुट करते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हुआ, साथ में नोट करते चलिए, मिटा रहे हैं। अब वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको कितना दिया हुआ था, टोटल हार्डनेस, टोटल H लिख रहा हूँ, आप H मतलब समझ जाइए हार्डनेस की बात कर रहे हैं,
वेट ये आपको दिया 0.15 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, ये आपको दिया है 20 ml, इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड, ये V2 की बात कर रहा तो ये V2 आपको 18 ml दिया है, अपॉन टोटल वॉल्यूम 1000 है, इंटू वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर ये आपका दिया हुआ है। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर देखिए वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम हो गया, फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल आपको दिया है 100 ml, इंटू वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड कितना दिया, V1 आपको दिया 25 इंटू कितना है 10^6, ये किस में आया PPM में आया। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 18 3, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 0.15 में और 2 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 × 30 का मतलब ये 0.3 आया, और ये 0.3 आ गया, और ये 18 3 54 हो जाएगा, तो 54 × 10^6 को क्या लिख सकते हैं 10^5 × 10 अपान, इसको ये कितना 1000 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 10^5 × 25, 10^5 कैंसिल हो गया, ये आ गया 540/25, तो ये कितना आ जाएगा टोटल H=, ये आ जाएगा 25 × 50, 21.6 आ गया, ये PPM आया 21.6 PPM। इसके बाद आप परमानेंट हार्डनेस निकालेंगे, परमानेंट H क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू आपको रखना है, देखिए यहाँ वेट आप कैल्शियम कार्बोनेट सब कुछ वही रखना है, केवल आपको क्या करना है जहाँ आप वॉल्यूम ऑफ EDTA यूज्ड V2 आप रखते थे, V2 के जगह पे आपको क्या रखना है बॉयल्ड वाटर, बॉयल्ड वाटर आपका V3 होता था, तो आप बॉयल्ड वाटर की जगह पे ये रख पुट कर देंगे बाकी, और फिर उसके बाद जहाँ आप वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल लिखते थे वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल की जगह आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बॉयल्ड वाटर, बाकी सब चीज़ें सेम है, तो मैं यहाँ पे ये फिर से फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं आपको वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ कि वैल्यू क्या आएगी 0.15 × 20 × ये बॉयल्ड वाटर का EDTA कितना आया था 12 आया था, ये 1000 × 100 × 25 × 10^6, तो ये क्या हो जाएगा 15 × 30 = 12 × 3 = 36, 36 × 10^5 × 10 अपॉन 10^5 × 25, ये 10^5 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 360/25, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 × 25, 25 × 60, और ये क्या हो जाएगा 14.4 आ जाएगा, ठीक है 14.4। अभी इसमें क्या करना है हमको टेम्परेरी हार्डनेस निकालना है, ये 14.4 क्या आया है आपका परमानेंट हार्डनेस, ठीक है इसमें क्या करेंगे टेम्परेरी हार्डनेस निकालना है, टेम्पोरेरी H = टोटल H - परमानेंट H, तो ये टोटल H कितना आया है आपका, टोटल H आया है आपका ये PPM में आया है, टोटल H देखिए यहाँ पे टोटल H कितना आया 21 आया है, 21.6 − 14.4 आया, तो ये कितना आ जाएगा 7.2 PPM, ठीक है ये क्या आया आपका टेम्पोरेरी H,
नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए इसी तरह सेम क्वेश्चन आपसे और आपके पेपर में पूछा हुआ है, बस यहाँ 0.15 की जगह पे क्या हो जाएगा, उसमें क्वेश्चन में 0.15 की जगह पे 15 दे दिया है, तो उसको आप लगा लीजिएगा, सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पे जहाँ 15 था तो 0.15 था, अब इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सब वैल्यू वही आ जाएगी। जैसे यहाँ 21.6 आया तो 2160 आ जाएगा, यहाँ आया है 14.4 आया है, तो ये आ जाएगा 1440 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका डबल वो करेंगे तो ये 720 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका 15 यहाँ दिया हुआ है, तो उससे आप देखेंगे तो आंसर कुछ अलग आएगा। यहाँ 0.15 दिया तो उसके हिसाब से आंसर आया है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा द फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेंड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, वेट ऑफ क्रिस्बल दिया हुआ है, वेट ऑफ क्रिस्बल प्लस फ्यूल दिया है, वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, और एक चीज़ इसमें क्वेश्चन दिया है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर ये 570 ग्राम, वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर 2200 ग्राम, राइज इन टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर देखिए T2 - T1 जो मैं बताता था आपको, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है, 2 से 3 डिग्री दे दिया है, तो 2 से 3 डिग्री देने का मतलब 2 से 3, उसका राइज इन टेम्परेचर का मतलब 3 - 2 करना है, तो 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2.3 नहीं करना है। ठीक है, इसमें जो जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वेट ऑफ क्रिस्बल आपको कितना दिया है 3.649, वेट ऑफ क्रिस्बल प्लस फ्यूल इक्वल्स टू ये दिया 4.678, फिर उसके बाद आपको दिया है वाटर इक्विवेलेंट, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर ये आपको दिया हुआ है 570 ग्राम, फिर उसके बाद आपको दिया है वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर, वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर ये आपको दिया है 2200। राइज इन टेम्परेचर आपको दिया हुआ है ये T2 - T1, ये 3 - 2 इक्वल्स टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर इसके बाद ये आपको दिया हुआ है कूलिंग करेक्शन, कूलिंग करेक्शन आपको दिया है 0.047 डिग्री सेंटीग्रेड, एसिड करेक्शन 62.6, और फ्यूज वायर करेक्शन 3.8 दिया है, और एक अब लास्ट दिया है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन।
परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन ये दिया है 6.5%, इतना आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसके बाद आपको क्या करना है, फार्मूला आपको सबको पता है कि करेक्शन वाला फार्मूला कौन सा था, एस सी बी इक्वल्स टू कैपिटल डब्लू प्लस स्मॉल डब्लू टी टू माइनस टी वन प्लस टी सी माइनस सी ए, सी ए क्या है आपका एसिड करेक्शन, प्लस सी एफ डब्लू फ्यूज वायर करेक्शन हो गया, अपान एक्स, एक्स क्या है आपका फ्यूल का वेट है, तो यहाँ पे फ्यूल का वेट दिया नहीं हुआ है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, क्रिसबल और फ्यूल दिया है, इसका वेट दिया है, इसमें से आपको माइनस कर देंगे अगर क्रिसबल की वेट, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाए, ये पता चल जाएगा हमको फ्यूल का। जैसे यहाँ आप एक ऐसे अपरेटस में बना दे रहा हूँ, ये क्रिसबल है, इसी के अंदर फ्यूल रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग क्रिसबल माइनस कर दें, यहाँ पे देखिए क्रिसबल माइनस कर देंगे तो ये क्या बचेगा, इसका जो फ्यूल का वेट होगा वो बचेगा ना, ये फ्यूल बच जाएगा, तो ये फ्यूल का वेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ आपको, ये क्रिसबल का वेट पता चल जाएगा यहाँ से, तो आप सीधे वैल्यू पुट करिए, एस सी बी इक्वल्स टू डब्लू कितना दिया है, कैपिटल डब्लू, यहाँ देखिए कैपिटल डब्लू आपको दिया है 2200 दिया, देखिए यहाँ पे कैपिटल डब्लू वाटर टेकन इन कैलोरीमीटर ये आपको दिया है 2200 प्लस स्मॉल डब्लू आपको दिया 570 दिया है, सब 570, और टी टू माइनस टी वन यहाँ कितना है 1 दिया है, प्लस टी सी कितना दिया है 0.47 माइनस सी ए आपको दिया है 62.6 दिया है, प्लस सी सी एफ डब्ल्यू 3.8 दिया है, अपान एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.678 माइनस 3.649 ये इतना दिया हुआ है, इतना नोट करिए और आगे इसको पहले मिटा दूं क्योंकि अब वैल्यू हमको पता चल गई, आगे कैलकुलेशन ही करना है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए फिर मिटा के आगे कैलकुलेशन बताते हैं। नोट हो गया है, एस सी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2770 इंटू 1.047 माइनस 6, 8, 14 ये हो जाएगा 66.4 अपान 18 में से 9 और ये कितना बचा, यहाँ बचा आपका 7, 6, 6 में से 4 2 0 ये 1.0 एस सी बी इक्वल्स टू, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2900.19 माइनस 66.4 अपान 1.029, अब इसको माइनस करेंगे तो ये एस सी बी इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2833.79
2833.79 upon 1.029। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, एस सी बी इक्वल्स टू हो जाएगा ये, इसको इतने में डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2400 2753। ये आपका आएगा 2753। आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, 2753.529 ये 926 है, 926 ये आपका क्या आया है, कैलोरी पर ग्राम आया है। ठीक है, अब LCB निकालना चाहे आपसे, LCB बोलेगा या NCB, LCB या NCB, LCB आपका क्या है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, या NCB क्या है, नेट कैलोरीफिक वैल्यू, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। तो LCB इक्वल्स टू क्या होगा, HCB -9/100 इंटू परसेंटेज ऑफ H इंटू लेटेंट हीट। तो ये क्या हो जाएगा, SCB कितना दिया है आपको, SCB 2753.926 -9/100 परसेंटेज ऑफ H कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ये 6.5 दिया है, 6.5 इंटू लेटेंट हीट 587। ये 2753.926 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 343.395। यहाँ 100 से डिवाइड करने के बाद ये आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2410.531, ये कैलोरी पर ग्राम, ये LCB आया। ठीक है, तो ये आपका एक पेपर सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पेपर आपको नेक्स्ट डे में करा दिया जाएगा, तो तब तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो जितना पेपर, इसको आप नोट कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, और सभी अपने जो भी आपके दोस्त हित मित्र हैं सबको आप बता दीजिए कि इस समय क्वेश्चन पेपर का सेशन चल रहा है, तो सब लोग ज्वाइन कर लें इस सेशन को, और नंबर अच्छा पाने के लिए यहाँ ज़रूर विजिट करें, नहीं तो आपको चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, और जगह आप नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आप सर्च करके चेक कर लीजिए, जो मटेरियल आपको यहाँ से मिलने वाला है कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं भी सर्च करके देख लीजिए, अगर जितना मटेरियल मैं दे रहा हूँ अगर कोई देगा तो बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में आपको नेक्स्ट पेपर कराया जाएगा, वो आपके 2019 का पेपर है शायद, तो वो 2019 का पेपर कराऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग अपना पेपर अच्छे से तब तक देते रहिए, और जो भी पेपर आपका हो रहा है उसको, अभी शायद कल मैकेनिक्स का पेपर है, तो आप मैकेनिक्स का पेपर अच्छे से दीजिए। ठीक है।